तो ये है वो फ्लावर हॉर्न जो कि बहुत बुरी कंडीशन में थी वो शॉपकीपर के पास, जिससे मैंने लेके आया 500 रुपीज़ में ताकि मैं इसे ठीक कर सकूँ और मैं इसकी जान बचा सकूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक फ्लावर हॉर्न थी जिसको सेम ऐसी ही प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाया, तो मैं सोच रहा था इसकी जान ज़रूर बचाऊंगा मैं, तो मैं इसे ले आया हूँ। देख सकते हैं मैं इसे ट्रीट कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, मैंने इप्सम सॉल्ट भी डाल दिया ताकि इसके इंटरनल पैरासाइट जो भी होंगे वो ख़त्म हो जाए, और बबल भी दे रहा हूँ। तो लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरा टैंक भी रखना पड़ेगा जिसमें हम हीटर अच्छी तरीके से लगा सकें, फिलहाल के लिए तो मैंने इसमें रखा था। तो अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा हमारे ऊपर वाले रूम पे और वहाँ हमें टैंक सेटअप करना पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं ऊपर और करते हैं टैंक को नया। दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये टैंक को पूरा अच्छी तरीके से खाली कर दिया है और नया पानी भी डाल दिया है, और हमें अभी इसमें मॉन्स्टर टैंक का भी पानी डालना है और उसके जो स्पॉन्ज है थोड़े थोड़े जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वाले उसको भी डालना है। देख सकते हैं ये वाला टैंक तो बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, गप्पियाँ हमारी ये वाली फिश सब सही चल रही है, और इसमें हीटर लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो फिलहाल हम ये वाला हीटर लगा लेंगे, या फिर हमारे पास नीचे भी हीटर है उसको भी ला सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पे।